परासिया में कुछ समाजसेवी संगठन के युवाओं ने गाय तस्करी रोकने के लिए न्यूटन में चेक पोस्ट लगाने की बात कही और इसके लिए उन्होंने SDOP को ज्ञापन भी सौंपा। परासिया में समाज से जुड़े संस्थानों के युवाओं ने SDOP अनिल शुक्ला को ज्ञापन दिया और न्यूटन में चेक पोस्ट लगाने की बात कही। बताया जा रहा है कि लगातार न्यूटन नगर में रात के समय गाय से भरे ट्रक गुजरते हैं और जब इन्हें रोकने की कोशिश की जाती है तो ये मारने पर उतारू हो जाते हैं। ऐसी ही एक घटना में कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने ट्रक को रोकने की कोशिश की थी, जब ट्रक से धक्का लगने पर एक युवक की मौत हो गई थी, जिसके चलते युवाओं ने ऐसे व्यापार को बंद करने और न्यूटन में चेक पोस्ट लगाने की बात कही। इसके साथ ही हत्या की निष्पक्ष जाँच के साथ दोषियों पर कार्यवाही करने की मांग भी की गई है। हम लोग सभी युवा साथी एवं हमारे ब्लॉक कांग्रेस समिति के अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा जी हम लोग सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और DSP साहब को हमने आज एक ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में हमने उल्लेख किया है कि पिपरिया रोड से होते हुए जो गाय की गाड़ी हमारे पराजय से होकर गुजरती है, इसका पिछले कई सालों से इसका अवैध व्यापार हमारे क्षेत्र से लगातार देखने को मिल रहा है। इसके पूर्व में भी स्थानीय निवासी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता लोगों ने इसका विरोध किया और अभी कुछ दिनों पहले ही हमारे एक NSDI का एक साथी था शिवम शर्मा, उसने भी इस गाड़ी को रोकने के लिए उसने एक आंदोलन किया था लेकिन उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। हाल ही में 2-4 दिन पहले उसकी इसी मामले में गाय की गाड़ी से हत्या कर दी गई। उस मामले में हमने DSP साहब को आवेदन दिया है कि उस मामले में जांच हो और न्यूटन चौकी जहाँ थाना पड़ता है उस चौकी के सामने एक चेक पोस्ट यथावत नियमित तरीके से लगाए। ये हमारी मांग हमने DSP साहब से की। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।